तुझे पैर पकड़ा न्यू कर जाएंगे फिर खेत खोद के बैठ गए। मेरे कल्ला का खेत खोद गए, आगे को नहीं खोद दे किसी का भी। 60,000 का खेत ले लो ठेके पे, तो एक साल रखे जाइयो। पाँच चार गांव के चौधरी है क्या, फोटो तुरवा ले गए, नुबले पाई की निकासी करा दी। पाई की निकासी क्यों, ये तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी। देखिए सारा आधा खेत तुम्हारा नूना है, आधा खेत नूना, ना पानी आंदा कड़ी ना कड़ी जाता। बताओ मारा कड़ा जावा हम 10 दिनों के फिरन लग रहे हैं, ना कोई फोन डांदा। जब तुमने कहते बेटा एक फोन कर दिया, सारे खड़े पावांग उड़ा। इम हमने 10-10 फोन कर लिए, कोई फोन नहीं ठहरा मारा। मारा समाधान बता दो भाई, मारा समाधान क्या है। अगर सारी जीरी लग रही है, सारा कोई नहीं खोदने देना। इन्हें पूरा खेत खाली पड़े था, इन्हें देख लिया मौके की तलाश है। अच्छी मार का चार मुँह जे बी सी गला तरवा का फोटो डांक ठोकी उरत है। नहीं बोले पाई की निकासी होगी, गोलन ने निकासी करा दी। यह निकासी है कोई, देखिए उरत है तो दोनों सड़कों के बीच में खोद कर 10 पाइप दाब कर डांक ठोकी। बस समाधान करो नहीं, गोलो बैठू जाएगा जी, गोला के बीच में सारे बच्चन लेकर। मारे तो बाण का ब्याह कर दिया ना, यूर भी ने बैत कर रहा है। तमाम कड़ा जावा नहीं तो बता दो। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, आप गांव के विकास के लिए जो पैसा अंधाधुंध भेज रहे हैं, उसका गांव के विकास की व्यवस्था से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। गांव पाई की बात करें तो गांव पाई में पानी की निकासी सबसे बड़ी समस्या रही है लंबे समय से, और उस पानी की निकासी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आया था। गांव में सीवरेज दबाए गए थे, लेकिन 99% पानी आज भी गांव का तालाबों में आता है। तो इन तालाबों के पानी की निकासी के लिए गांव पाई की डाब से सोंगड़ की ड्रेन तक का एक प्रोजेक्ट आया था। 1,60,00,000 से ज़्यादा का वो प्रोजेक्ट था कि यहाँ से पाइप दबा कर उस ड्रेन में पानी डाला जाएगा। 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, खेत खाली पड़े थे, लेकिन जो ही जीरी की रोपाई का समय आया, इन खेतों में खुदाई शुरू कर दी। अब खेतों वालों का एक आरोप है, ये समस्या है इनकी कि यहाँ जीरी लगाने का टाइम है, अब खोद के तो गेट दिए, लेकिन यहाँ ना तो कोई ठेकेदार आ रहा, ना कोई अधिकारी कर्मचारी आकर संभाल रहा कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा। ऊपर से बारिश शुरू हो चुकी है, तो किसान जो है यहाँ पर परेशान है। तो आइए सर, आप बताइए कि क्या समस्या आपकी। ये समस्या आ गई, खाई खोद दी जी, ना ये पूरा काम हो रहा जी। अदर में 27 तारीख को ये काम बंद हुआ था जी, ना दोबारा ठेकेदार आया, ना कोई सरपंच फ़ोन उठा रहा, ना कोई ठेकेदार फ़ोन उठा रहा जी। हम परेशान हो रहे हैं, कब जीरी लगाएंगे, कब यहाँ पर पानी छोड़ेंगे जी। हम आज शाम लग इंतजार करेंगे, तो ठेकेदार आ गया तो ठीक है, नहीं हम शाम को यहाँ पानी छोड़ देंगे जी खेत में। ये काम रहेगा तो अधूरा रहेगा, तो इस ठेकेदार की वजह से रहेगा या सरपंच की वजह से रहेगा। बस यहाँ पर प्रोग्राम था बिजली मंत्री का, वहाँ महल्ले ने भी कहा था कि यहाँ प्रोजेक्ट आ गया, जल्दी काम शुरू हो जाएगा, तो इतने दिन खेत खाली रहे तो क्यों नहीं शुरू करे उन्होंने। ये 15 तारीख लग का टाइम था इसमें, 15 तारीख लग ये काम पूरा हो जाएगा जी। ये लगे हैं 23-24 तारीख को, ये बोले 27 तारीख 30 तारीख लग काम कंप्लीट कर देंगे हम। आज 30 तारीख होगी, 3-4 दिन हो गए यहाँ पर कोई नहीं आ रहा जी, ना कोई फ़ोन उठा रहा, ना कोई यहाँ आ रहा जी। यहाँ पर यहाँ जब खोदने लगे किसी तक मिले थे आप? नहीं, किसी यहाँ आए थे, सब सरपंच भी आए थे, ठेकेदार भी था और भी थे, सारे थे जी। बात हुई थी खेत वाले की? खेत वाले किसी से बात नहीं, खेत के मालिकों से बात करी थी? नहीं, किसी से बात नहीं हुई। खुदाई करने से पहले बात नहीं करी? नहीं, कई बार किसी से बात नहीं हुई। तो इसके लिए कोई मुआवजा वगैरह की व्यवस्था या कोई है बात? ना कह रहे थे भाई मुआवजा मिल जाएगा आपको। हाँ। बाद में कौन पूछता है मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं, ये एक बड़ी प्रोजेक्ट है, सीवरेज है, अगर कल कहीं से लीक हो गया या खराब हो जाए तो खोदनी भी पड़ सके, तो फसल लग रही है उसका नुकसान भी हुआ है, तो मुआवजा तो मिलना चाहिए इस चीज़ का। आपने मांग करी थी मुआवजा मिलना चाहिए? हमने मांग की थी, वो कह रहे थे मिल जाएगा आपको, लेकिन बाद में कौन देता, कोई देता ना, मिलता हमें मुआवजा। तो आप लोग चाहो तो ये है कि पानी की निकासी तो हुआ है। हाँ, निकासी तो आप लोगों ने कोई मना तो नहीं करे ना? ये मना नहीं किया हमने। क्या कहना चाहो भाई? मान ले उस दिन तो ये बड़े बड़े वादे कर रहे थे, कह रहे थे हम तो 26 तारीख ने अपना खेत तैयार करके दे देंगे भाई, आप जीरी लगा लियो। लेकिन आज 30 तारीख होगी, ना तो कोई फोन उठा रहा है। जैसे गांव के सरपंच थे, जो जगदीश सरपंच है, जो एक्स सरपंच है, वो उन्होंने कहा उस दिन बेटा ना पोते तरन डरन की जरूरत नहीं, इतना मैं 26 तारीख में खेत दे दूंगा। आज उनका कोई नहीं, मुआवजा दुआ दूंगा, बस यह बात कहा। वो आगे तो बात नहीं करता, ना खेत तैयार कर देता। मान ले जो ठेकेदार है उस दिन कह रहा था तैयार करके दे दूंगा 26 तारीख ने, ठेकेदार कहते कहते मेरी मशीन का स्विच खराब हो गया, कहते डीजल खत्म हो गया, कहते यहाँ बांधने देने लग रहे। बता इब डीजल भी मैं पुआऊंगे कि इनकी मशीन में कमाल कर रहे हैं, तो ये कोई बात हो एक ऐसा काम कर रहे हैं हमारे साथ, तो मजाक। वर्तमान सरपंच से बात हुई कुछ? वर्तमान सरपंच तो पूरा सहयोग कर रहे हैं, वर्तमान सरपंच कहने लग रहे हैं मैं आएगा भाई 10 मिनट में मौका पत्र लगाने लग रहा, जो सी मेरे पर सहायता होगी तेरी सहायता करूंगा। तो क्या कुछ लगा है कि कितने दिन और लगा देंगे ये? तो कई साल लगा देंगे, न्यू तो कई साल होगा, तो चलो रहे काम। फिर मामले तो कुछ नहीं मिल रहा, दिहाड़ी तमाम करने लग रहे हैं, 200 की 400 की, और हमारा खेत खोद दिया, इमाम किसका जाएंगे, इमाम बच्चे किसका गेड़ा है, बारिश का हमारे बच्चे किसने, कौन मोदी रखेगा कि माम रखा, हमारी क्या समस्या, यही समस्या हमारे बच्चे ने पालो। पढ़ाई माफ़ करा दो, मेरी कर्जा तैर दो, और अपना खेत ठीक करके दो मेरा।
और मैं किसका जावांगे, मारा तो खेत खोद दिया। मतलब इससे आप तो जिक्र चल रहा नहीं, 15-20 दिन और लागे तो जीरी लाने तो राज हो गए। मैं तो जी बो रह रहे हैं जी, खेत तैयार करके बाहर के बाई दे रखी, सारे दिहाड़े भर के कराया पर काम करा, हमारे को है करके रात हैं जमा जुलम कर रहे हैं हमारे गला ऐद में चाह दी सारा काम ने जुदे पैर पकड़ा न्यू कर जाएंगे न्यू कर जाएंगे, फिर खेत खोद के बैठ गए इधर में। मैं तो गोला पास बैठू हूँ बच्चे ले अपने ने, मेरा समाधान नहीं हो जे चाहे कट्टर हो चाहे कोई भी हो जी, और मैं किसका जाऊँगा, मेरा खेत तो खोद दिया जी, मेरी वो समस्या नहीं पूरी कर रही, मैंने रोना आवा है जो मेरा खेत खोद दिया, मैं किस तरह पालूँ बच्चे ने, जुल्म कर रहे हैं मेरा गलत, मेरा कल्ला का खेत खोद गए, आगे को नहीं खोद दे किसों का भी, जमा कब्जा कर रहे हैं नो रहे सारे, धक्का हो रहा कोई समाधान होता होगा किसों का, साहब सोर होता होगा, दो महीने होगा खाली पड़े तो खोद के एक शहर करके दे दिया होता मेरा खेत, नमा हमने कोई मुआवजा दें दे, साइडदार का खेत ले लो ठेका बचो एक साल और रखे जाइयो, मामने के मतलब फिर मम बच्चे ने तो पाल जाएंगे पीछे अंगला, मम आग पढ़ाने भी लिखाने भी हैं, मामने भी खाना कुछ भूखे थोड़ी मरना, समाधान करो नहीं गोला बैठू हो जाएगा जी, गोला के बीच में सारे बच्चे ने लेकर ऐद कर दी जमा जी। बात हुई कौन कौन थे गाँव में? गाँव में जगदीश सरपंच, एक फौजी सरपंच जो मतलब एक्स सरपंच थे वो भी थे, और मान बल्ली नरेंद्र बल्ली जो वो भी थे, मान जब तो सारे बोले ना बेटा कोई बात नहीं होगा निकासी करके दे देंगे तेरा भी भला होगा, मैं हमने भी सोचा भी मारा भी भाई चल डूबा माँ हमारा भी भला हो जाएगा माँ कोई नहीं माँ गांव का भी फायदा हो जाएगा गंदा पानी की निकासी हो जाएगी, मैं हमने भी सोचा मैं चल कर लें तो कोई बात नहीं माँ, यहाँ तो नहीं बोले ना कोई नहीं 26 तारीख तेना खेत दे देंगे तैयार करके नुक है, मैं हमने कोई माँ चल माँ 5-4 दिन और लेट लगा लेगा माँ चल जो होनी है माँ बाग में हो जाएगी माँ क्यों मारा आई साल दाने मारा उड़ा उन दिन इसके मैंने सोचा 20 साल और दम मारे लेकिन सोचा दाने नहीं हुई कोई बात नहीं माँ, इवन 26 तारीख भी जाली दो दिनों के फोन नहीं चक रहे कल अल्लाह हो रहा तो नहीं हो रहा, ज्यादा बारिश होगी फिर किस तरह मशीन चला लेंगे, जब ये 4 बूंदा में ये मशीन नहीं चला सकते नहीं, ज्यादा बारिश होगी फिर किस तरह मशीन चल जाएगी, मारे तो बाण का ब्याह कर दिया ना यूरबी ने बैत कर रहा है बता मैं कड़ा जाऊंगा नहीं तो बता दो, इवी ना फोन ठाते ना कुछ करते खेत के बीचों बीच खोद दिया आधा ना आधा परना बताओ ना खेत में परना जान जी ना परना जान जी ना पानी परना जाना ना परना जाता बताओ मारा के समाधान है बताओ, मारा तो कड़ी का समाधान नहीं है ना फोन ठहरा कदे ठेकेदार का कुछ है कदे ठेकेदार का कुछ है ना मारा आप गाप दे रहे कुछ नहीं मारा तो समाधान कर दो जी बस, हम तो यही रिक्वेस्ट आप जोड़ के बस। 2 महीने से खेत खाली थे, किसानों का कहना है कि तब से अब तक वो काम नहीं शुरू किया, जब जीरी लगाने का सीजन आया तब ये काम शुरू किया गया, क्या सरपंच के संज्ञान में ये चीज़ें थी कि ये टेंडर कब हुआ था और कब काम शुरू करना चाहिए था? नहीं ये चीज़ टेंडर अभी लगा वो इसलिए लेट हुआ है, जब टेंडर प्रक्रिया खत्म होगी या किसी को टेंडर लाट होगा तभी जाके काम शुरू करेंगे ना वो, और मेरे को 2 दिन पहले ही पता चला, उसी दिन शाम को फोन आया विधायक जी पे मैसेज आया वह कल को पाई आन लग रहे हैं और पाइपलाइन का उद्घाटन करना उसका पानी निकासी का, वो कह रहे थे 5-4 दिन में हम यहाँ तक दबा देंगे पाइप, आगे लगा दी लोगों ने जीरी स्टेम, तो जीरी तो पाड़ नहीं सकते आप इसो चीज़ की भी, तो ये बात चल रही है भाई गेहूँ लगाने से पहले जीरियों के बाद उस टाइम काम शुरू कर देंगे 10-15 दिन में कंप्लीट कर देंगे बीच में, और रही बात भाई ये शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो तो विधायक जी बताएंगे जिन्होंने टेंडर लगवाया।